हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रकरण रहेगा रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवियों का परिचय। तो बीए भाग द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अपना टॉपिक है ये रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि। तो रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं तीन, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधारा के जो अलग अलग कवि हैं उनमें से आज हम रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में सर्वोपरि जो नाम लिया जा सकता है, सर्वप्रथम मैं उसका उसके बारे में बताना चाहूँगी, वो है घनानंद। घनानंद के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं पहले हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। घनानंद को रस की साक्षात मूर्ति कहा जाता है। रस की साक्षात मूर्ति कवि घनानंद का जन्म संवत 1764 ईस्वी के संवत 1764 के लगभग हुआ और घनानंद का निधन संवत 1796 ईस्वी में नादिर शाही में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। अब घनानंद के प्रमुख जो ग्रंथ हैं इनके द्वारा रचे हुए उनके बारे में बात करते हैं। घनानंद का जो पहला रचा हुआ ग्रंथ है वो है सुजान सागर, उनकी कृति है। दूसरी कृति है विरह लीला और तीसरी जो इनकी कृति है वो है कोकसार, चौथी है रसकेली वली और पांचवी है कृपा कांड निबंध। तो इस प्रकार से घनानंद के रचे हुए जो ग्रंथ हैं प्रमुखतः पांच हैं, वो उसमें से पहला है सुजान सागर, दूसरा विरह लीला, तीसरा कोकसार, चौथा रसकेली वली और पांचवा है कृपा कांड निबंध। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुख्यतः वियोग श्रृंगार को ही अपनाया है। वियोग श्रृंगार पर अपनी लेखनी चलाई है, कलम चलाई है। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति मनोवृत्ति अधिक रम्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है। इनकी कही हुई यह पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि दी साहित्य में नहीं हुआ। अब हम घनानंद की प्रसिद्ध उक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो प्रसिद्ध उक्ति है वह अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू श्यानप बांक नहीं तहें साँच चले तजी अपन पो झिझके कपटी जो निशांक नहीं। दूसरी इन घनानंद की जो प्रसिद्ध उक्तियों में शामिल की जा सकती है वह है घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इन एक ते दूसरो आंक नहीं तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मल्लेहु पे देहु छट्टांक नहीं। ये इनके बारे में घनानंद के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, घनानंद की प्रसिद्ध उक्ति है। तीसरी घनानंद की जो प्रसिद्ध उक्ति है वह है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। तो विद्यार्थियों, ये जो घनानंद की जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी हुई हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान देना है। तो घनानंद के बारे में अपन ने देखा, ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी भाषा है ब्रज और जिनके
ग्रंथ को अपन ने देखा और उनकी जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं उनको हमने देखा। रीतिमत काव्यधारा के ही दूसरे जो प्रसिद्ध कवियों के बारे में अपन बात करें तो उसमें दूसरा जो प्रसिद्ध कवि है वो है आलम। इनकी कविता काल 1740 से 1760 संवत माना जाता है। इनकी जो जन्म मृत्यु है उनके बारे में कुछ प्रामाणिक नहीं है तो, लेकिन इनके कविता काल संवत 1740 से 1760 माना जाता है। ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रंगरेजिंग के प्रेम में फंसकर इन्होंने उससे विवाह कर लिया और ये मुसलमान हो गए। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है आलम केली। आलम ने आलम केली ग्रंथ लिखा है। आलम की भाषा है ब्रजभाषा, अर्थात उन्होंने आलम केली की रचना ब्रजभाषा में की है। आलम की जो प्रसिद्ध उक्ति है वह है, यह भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी हुई है उक्ति, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, यह प्रसिद्ध उक्ति है आलम की। तीसरे रीतिमुक्त काव्यधारा के तीसरे जो कवि हैं वो हैं बोधा। कवि बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। यह भी कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है कि बोधा का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो उत्तर होगा बुद्धिसेन। ये महाराजा पन्ना के दरबार में रहा करते थे। महाराजा इन्हें प्यार से बोधा के नाम से पुकारा करते थे और ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इनका बोधा नाम कैसे पड़ा? महाराजा पन्ना द्वारा ये नाम इन्हें दिया गया, क्योंकि महाराजा पन्ना है वो इन्हें प्यार से बोधा नाम से पुकारते थे, इसलिए इनका नाम बोधा ही प्रसिद्ध हो गया, जबकि इनका वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। तो महाराजा पन्ना के दरबार में रहने के कारण महाराजा पन्ना ने इन्हें बोधा नाम दिया। इनका जन्म संवत 1804 माना जाता है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1840 तक माना जाता है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है एक तो विरह वारिस और दूसरा इनका प्रसिद्ध, इनका द्वारा रचा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है इश्कनामा। तो इस प्रकार से इनके द्वारा रचे गए दो ग्रंथ हैं, पहला है विरह वारिस और दूसरा इनके द्वारा रचा गया जो ग्रंथ है वह है इश्कनामा। बोधा की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा, अर्थात इन्होंने जो विरह वारिस और इश्कनामा अपने जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की भाषा ब्रजभाषा के को लिया और ब्रजभाषा में इन्होंने इश्कनामा और विरह वारिस ग्रंथों की रचना की। रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवियों की श्रृंखला के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें चौथे नंबर पर जो कवि हैं उनको, उनका नाम है ठाकुर। तो ठाकुर के बारे में अपन देखते हैं, कवि ठाकुर का जन्म ओरछा बुंदेलखंड में संवत 1823 में हुआ था। इनका जोधपुर और बिजावर के जो राज्य हैं उनमें बड़ा ही मान सम्मान था। पद्माकर के आश्रयदाता हिम्मत बहादुर के यहाँ भी इनका पर्याप्त समादर हुआ, अर्थात इन्होंने जोधपुर और बिजावर के राज्यों के राजाओं में भी कार्य कविता की रचना की और उनके आश्रयदाता के रूप में हिम्मत बहादुर राजा हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है ठाकुर ठसक। तो कवि ठाकुर द्वारा रचा गया जो ग्रंथ है उसका नाम है ठाकुर ठसक और ठाकुर ठसक ग्रंथ की भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा। इस प्रकार से ठाकुर ने ठाकुर ठसक ग्रंथ की रचना की जिसकी भाषा ब्रज भाषा थी। अब रीतिमुक्त जो कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इन चारों जो रीतिमुक्त कवि हैं इन चारों की भाषा वो है ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा में इन्होंने अपने अपने ग्रंथों या रचनाओं का की रचना की थी और ये रीतिमुक्त जो कवि हैं
इनकी इन्होंने अपने जो ग्रंथों की रचना की उसमें रीति की कोई बंधी बंधाई परिपाटी का उन्होंने को नहीं अपनाया। उन्होंने मुक्त और स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को या अपने जीवन की अनुभूतियों को अपने ग्रंथों में व्यक्त किया। उनके ग्रंथ हैं उसमें प्रेम की जो वास्तविक जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं उसको ही उन्होंने अभिव्यक्ति दी। इन चारों कवियों को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने आज देखा कि रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें हमने घनानंद आलम बोधा ठाकुर उन चारों कवियों का संक्षिप्त में परिचय प्राप्त किया। उन चारों की भाषा ब्रजभाषा है और चारों की रचनाओं का नाम अपन ने देखा। धन्यवाद।